तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं चैनल पिक को, जो कि नैनीताल में है। ये है सामने चैनल पिक का गेट और ये है सामने तिलगिरी को जाने का रास्ता। और आज हम चल रहे हैं चैनल पिक, तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज है 31st और मैं आज आपको ले जा रहा हूँ, मैं आपको आज दिखाने ले जा रहा हूँ चाइना पिक। यह चाइना पिक का रास्ता और आज मैं चला हूँ अकेले चाइना पिक को। ये देखिए दोस्तों, यह है चाइना पिक के बीच का रास्ता और आज 31st है, तो आज यहाँ काफ़ी भीड़ जा रही है 31st सेलिब्रेट करने, और मैं भी अकेले जा रहा हूँ। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है, ये देखिए नीचे से। देखिए दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ चाइना पिक के आधे रास्ते में और यहाँ पर बहुत चढ़ाई है। ये देखिए अभी आधा रास्ता कंप्लीट हुआ है, अभी आधा बाकी है। और यहाँ अभी आज के टाइम पे बहुत ठंडा है जंगल में, तो इसलिए मेरी सांस भी फूल रही है ठंडी की वजह से। ये देखिए दोस्तों, मैं अकेले जा रहा हूँ चाइना पिक को और यह है चाइना पिक का रास्ता, आप देखिए। और ये देखिए मेरे पीछे ऊपर को जाने का रास्ता है। ओके, तो ऊपर को चलते हैं फिर दोस्तों। ये चाइना पिक के बीच के रास्ते में पड़ता है और यहाँ से नीचे आप देख रहे होंगे, जैसे कि नीचे रोड भी दिख रही है। ये है हिमालय दर्शन स्पॉट, यहाँ से पूरी हिमालय की काफ़ी अच्छी बेल्ट दिखती है, ये देखिए। चलो दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ मैं चाइना पिक को। चलो दोस्तों, ये देखिए मुझे कितना पसीना आ गया है, जाड़ों में भी पसीने का एहसास। ये देखिए यहाँ थोड़ा ब्राइटनेस कम है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ चाइना पिक। आप ये देखिए मेरे पीछे साइड, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये फॉरेस्ट की चौकी है एक, और इससे आगे थोड़ा सा पैदल रास्ता चाइना पिक का है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोस्तों चाइना पिक के पास फॉरेस्ट चौकी, यहाँ आपको मैगी, चाय, वन ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा। तो ये देखिए, तो ये है दोस्तों चाइना पिक के रास्ते में प्रणाली फॉरेस्ट चौकी, और यह है चाइना पिक का रास्ता, ये देखिए। आप यहाँ आएंगे तो इस रास्ते पे जाइए, ये सीधे आपको चाइना पिक पहुँचाएगा। और चलो मैं आपको आगे चाइना पिक ले जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और हम पहुँच चुके हैं चाइना पिक, आप देख सकते हैं और कितनी भीड़ है। और देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं चाइना पिक के लास्ट कोने में, और ये देख रही है नैनी लेक आपको, और आप भी आए हैं और यहाँ नेचर का मज़ा लीजिए। बाय फ्रेंड्स।